आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली नवविवाहिता ने अपने ही गांव के युवक पर प्रेम करने की आड़ में अंतरंग संबंध बनाकर शादी न करने का आरोप लगाया है। थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद गुरुवार को पीड़िता ने एसपी को शिकायती पत्र देकर आरोपी से शादी कराने की मांग को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। इससे पूर्व पीड़िता की शादी एक अन्य युवक से हुई थी। शादी के बाद ससुराल वाले दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने पीड़िता को घर से निकाल दिया, जिसके बाद से पीड़िता मायके में आकर रह रही थी। इसी दौरान गांव के ही रहने वाले श्यामा चौहान पीड़िता को अपने प्यार के जाल में फंसाकर शादी का सपना दिखाकर शारीरिक शोषण करने लगा। युवती ने जब शादी की बात कही तो युवक टालमटोल करने लगा, लेकिन जब युवती ने ज्यादा शादी का दबाव बनाया तो श्यामा चौहान ने 28 जुलाई को वनदेवी मंदिर मऊ जनपद में ले जाकर शादी करने की बात कही। इसके बाद युवक ने युवती को मंदिर में ले जाकर छोड़ दिया और कहा कि मैं घर वालों को लेकर आता हूँ, तब शादी करता हूँ। जब युवक मंदिर में नहीं आया तो पीड़िता खोजते हुए युवक के घर पहुंची तो युवक के घर के लोगों ने पीड़िता को मारपीट कर भगा दिया। थकहार कर पीड़िता जब अपने मायके पहुंची तो मायके वालों ने भी घर पर रखने से इनकार कर दिया। इसकी शिकायत लेकर पीड़िता जब सिधारी थाने पहुंची तब वहां भी न्याय नहीं मिला। थक खाकर पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। वाली है किस थाना क्षेत्र की? सर आजमगढ़। अरे थाना कौन सा है? थाना सिधारी। सिधारी, हाँ। क्या मामला है आज एसपी साहब के यहाँ? मामला ये पहले मेरी शादी, मतलब जैसे कि वहाँ पर शादी हुई थी। कहाँ पे शादी? सहजानपुर। सहजानपुर थाना परोर। परोर शादी हुई थी, फिर यहाँ मैं मायके में आई तो छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया था। हाँ। छोड़ दिया तो फिर यहाँ मैं श्यामा को जान नहीं, मतलब श्यामा संपर्क हुआ मेरा। अच्छा, आपके गांव के? हाँ, श्यामा चौहान मेरे गांव के रहने वाले हैं। हाँ। तो कह रहा था कि चलो, मतलब शादी का, मतलब शादी के लिए जाता, मतलब मुझसे बात किया, सब कुछ शारीरिक संबंध बनाया। फिर जब हम कहें शादी चलो करने के लिए, कह रहा ठीक है चलो, तो यहाँ ये वृंद का ये कोई मंदिर है वहाँ पर करा ले चलो, फिर हम करा यहीं पर रहो, फिर हम आएंगे, फिर हम घर वाले को लेकर। तब कहें ठीक है जाओ, तो फिर नहीं आ रहा, करे आएंगे आएंगे आएंगे, फिर नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर मैं कहीं के, अब कितना दिन, दो दिन हो गया मैं भटक रही, कहाँ तक भटकी। तो फिर मैं कह रहा है कि गाली वाली दिया, गाली देकर तुरंत मोबाइल स्विच ऑफ कर ले रहा है। फिर उसके घर पर गई थी, उसकी माँ बहन मुझे हाथ पकड़ कर मारी हो रही थी, भगा दी, कह रही यहाँ जाओ, जहाँ लड़का जाकर उसको खोजो। क्या चाहती है? मैं यही चाहती हूँ कि उसे बुलाया जाए, मुझे कोर्ट मैरिज कर। थाने गए थे सुबह से बैठा कर, फिर शाम को कहें कि तुम जाओ, कोई कुछ मत करे, 15 दिन बाद, एक महीना बाद सुनवाई होगी। हाँ, भगा दिए। हाँ, तो आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि शाम को बुलाया जाए जल्द से जल्द, मेरे साथ इंसाफ हो। आज इसके हिसाब से मिली है? हाँ। क्या आश्वासन दिया? वो कहेगी आपको सुनवाई होगी, जल्द से जल्द सुनवाई होगी।